गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटिग्यूमेंट्री ग्लैंड्स, राइट। कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो आज हम कंपैरेटिव अकाउंट, यानी कि मैंने जो क्लासिफिकेशन कराया था वर्टिब्रेट्स का, उसमें अलग अलग क्लासेस में जो कंपैरिजन है ग्लैंड्स का, दैट विल डू टुडे। इफ यू सी, फर्स्ट वी सी साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम जो है एक ग्नाथोस्टोमेटा का एकमात्र ऑर्डर है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोम्स में क्या है, दे हैव यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में किस तरह की ग्लैंड्स थी, इसमें जो है दे वर ऑल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, और यू कैन से म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स किस तरह की है, दे आर मीरोक्राइन इन नेचर। कल मैंने बताया था ना, मीरोक्रीन, एपोक्रीन एंड होलोक्रीन, सो दे आर मीरोक्रीन टाइप ऑफ ग्लैंड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है, म्यूकस ग्लैंड्स जो साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट है, दे आर इफ यू सी गॉबलेट सेल्स, ग्रैन्युलर ग्लैंड सेल्स, एंड बीकर सेल्स। ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, दे आर टाइप ऑफ म्यूकस ग्लैंड, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस फ्रॉम द स्किन फॉर देयर प्रोटेक्शन, दे यू नो मेक्स द बॉडी सरफेस स्लिपरी, राइट। अब क्या होता है कि ये जो म्यूकस है, समटाइम्स जैसे जो प्रीडेटरी फिशेज हैं उनके फिश गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरक्यूलम। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि साइक्लोस्टोम्स क्या करते हैं, फिशेस के ऑपरक्यूलम को ब्लॉक कर देते हैं बाय सिक्रेटिंग म्यूकस ऑन इट। तो इस तरह जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फिशेस से। उसके अलावा क्या है कि हैग फिश जो कि एक तरह का साइक्लोस्टोम है, हैग फिश के इंटीग्यूमेंट में देर इज अ ग्लैंड विच वी कॉल एज थ्रेड सेल्स। ये भी यूनिसेलुलर ग्लैंड है जिसको कहते हैं थ्रेड सेल्स। ये सेल्स क्या रिलीज करते हैं, ये सेल्स रिलीज करते हैं अ सब्सटेंस विच इज़ लाइक थ्रेड, यानी कि वो जो लॉन्ग थ्रेड सिक्रीट करते हैं जो कि हैग फिश के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइक्लोस्टोम, यानी कि साइक्लोस्टोम में कोई मल्टीसेलुलर ग्लैंड नहीं है, स्किन में केवल यूनिसेलुलर ग्लैंड है। नाउ नेक्स्ट कम्स, आफ्टर साइक्लोस्टोम कम्स फिशेस। फिशेस का तुम्हें पता होगा, जब मैंने क्लासिफिकेशन कराया था तो फिशेस जो है दो क्लासेस में डिवाइडेड है, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस फिशेस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, और दूसरा जो है ऑस्टिक्थाइस जो है बेस्ड ऑन देयर स्केलेटन टाइप ऑफ स्केलेटन, ये बोनी फिशेस, ठीक है। अब फिशेस में भी क्या है, इफ यू सी दे हैव बोथ यूनिसेलुलर ग्लैंड एज वेल एज मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स भी हैं और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स भी हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स तो क्या हैं, सेम दे ऑल आर म्यूकस ग्लैंड्स विच सिक्रीट म्यूसिन, जो कि वाटर के कॉन्टैक्ट में आके क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि बोनी फिशेज में जो है इंटीग्यूमेंट्री ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्टिलेजिनस फिशेज। इसके दे हैव मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स ऑल्सो। ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो है हम विल टेक वन बाय वन। द फर्स्ट मल्टीसेलुलर ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन फिशेज इज कोकून फॉर्मिंग ग्लैंड। कोकून फॉर्मिंग ग्लैंड
इफ़ यू सी जैसे लंग फिशेज हैं, कौन कौन सी हैं, लेपिडोसायरन एक जो है लंग फिश का एग्जांपल है, दूसरा जो है प्रोटोप्टेरस है, ये भी जो है लंग फिश है। इन फिशेज में क्या है कि इनकी जो इंटिग्यूमेंट्री ग्लैंड है वो रिलीज़ करती है एक सब्सटेंस, यू कैन से एक वाटर प्रूफ हार्ड कैप्सूल रिलीज़ करती है जिसको कहते हैं कुकून, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि फिशेस जो है समर में डॉर्मेंट इनएक्टिव हो जाती है जिसको कहते हैं एस्टिवेशन, जैसे विंटर में जो इनएक्टिव पीरियड उसको हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे ही समर में इस पीरियड को एस्टिवेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन के दौरान ये जो लंग फिशेस हैं अपने चारों तरफ एक कोकून सिक्रीट कर लेती हैं फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इफ़ यू सी आफ्टर यू नो कोकून फॉर्मिंग ग्लैंड, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन फिशेस इज, फर्स्ट इज कोकून फॉर्मिंग ग्लैंड जो हमने अभी किया है, सेकेंड इज पॉइजन ग्लैंड्स। एज द नेम इंडिकेट, इसमें क्या है, ये जो मल्टी, ये भी मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ये भी एक तरह की मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, और ये जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है ये सिंपल सेक्यूलर टाइप ऑफ ग्लैंड है इस तरह जो है। इसमें क्या है कि जो पॉइजन जो है सेक्यूलर जो स्फेरिकल एंड है उसमें जो है पॉइजन सिंथेसाइज होता है एंड द फिश रिलीज पॉइजन आउटसाइड थ्रू दिस डक्ट। तो कुछ फिशेज हैं जैसे इलाजमोब्रैंक्स हैं, इलाजमोब्रैंक्स जो है ये एक तरह से कॉन्ड्रिक्थाइट्स को बिलोंग करती हैं, इस तरह से टीलियोस्टी है, टीलियोस्टी जो है यू कैन से ऑस्टिकथाइस क्लास को बिलोंग करते हैं ये फिशेस। तो इलाजमोब्रैंक्स और टीलियोस्टी में क्या है कि उनकी बॉडी में मल्टीसेलुलर पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं इन द इंटिग्यूमेंट, और दीज पॉइजन ग्लैंड्स दे आर यूज्ड एज ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस, ये फिश जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करती है। जैसे कैट फिशेज हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कैट फिशेज जो हैं क्या करती हैं कि इनकी जो यू कैन से फिन है, फिन की बेस पर, फिन जो है इफ़ यू सी फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी सी द पेक्टोरल फिन, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये जो फिन है ये पेक्टोरल फिन है, यहाँ पे आपको स्पाइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पाइन की बेस में स्किन के अंदर जो है पॉइजन ग्लैंड लोकेटेड है एंड फॉर डिफेंस जो इनके अंदर स्पाइन जो है के बीच में हॉलो डक्ट है और जो ग्लैंड जो है पॉइजन अपना रिलीज करती है एट द टिप ऑफ द फिन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट पॉइजन ग्लैंड इज लोकेटेड, देखो ये ऑपरक्यूलम है, ऑपरक्यूलम क्या है, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग है, तो ऑपरक्यूलम की बेस पर भी, यहाँ पे जो ऑपरक्यूलम बेस है यहाँ पर भी समवेयर हेयर पॉइजन ग्लैंड्स आर लोकेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फिश, ठीक है। इसी तरह से एक और फिश है साइनेंशिया, साइनेंशिया फिश में क्या होता है कि देखो ये देखो डॉर्सल फिन है, दो तरह की डॉर्सल फिन है, एक तो सॉफ्ट डॉर्सल फिन है और एक है स्पाइनी, स्पाइनी डॉर्सल फिन क्या, ये देखो स्पाइन दिखाई दे रहे हैं और स्पाइन की बेस में स्किन में क्या है पॉइजन ग्लैंड है। तो साइनेंशिया फिश जो बहुत ही कॉमन इंडियन ओशन में पाई जाती है, ये क्या करती है, ये जो है इट यूजुअली इट इज़ फाउंड इन द सैंड, सैंड के अंदर जो है ये पाई जाती है और इसका फिन जो है थोड़ा सा जो पेक्टोरल डॉर्सल फिन है प्रोट्रूड आउट करता है। इफ़ एक्सीडेंटली समबडी प्लेसेस द फुट ऑन दिस फिन इमिडिएटली द फिश रिलीजेस और इजेक्ट्स द पॉइजन इनटू द बॉडी ऑफ द इनटू द फुट ऑफ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है। तो इस तरह से जो है पॉइजन ग्लैंड जो है वो अपना काम करती है। अब नेक्स्ट इज इफ यू सी थर्ड, फर्स्ट इज कोकून, सेकेंड इज पॉइजन, थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स जो है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स है वो एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड ग्लैंड्स, यानी कि ये जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड। द फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है फोटोफोर्स,
यानी कि जो ग्लैंड ग्लैंड सेल्स है या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू फोटोफोर। फोटोफोर क्या है? ये एक तरह का ल्यूमिनस फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन है। फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन, ये बताती हूँ मैं क्या है। ल्यूमिनस का तो मतलब पता है, विच एमिट्स लाइट। फॉस्फोरेसेंट का मतलब ये इस तरह की लाइट होती है विच डज नॉट रिलीज हीट अलोंग इट, यानी कि एक तरह से ये जो लाइट है ये कोल्ड लाइट होती है। यूजुअली लाइट के साथ हीट भी एमिट होती है, बट फॉस्फोरेसेंट का मतलब ये है कि ये हीट नहीं एमिट करती। तो इस तरह के ऑर्गन को बोलेंगे ल्यूमिनस फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन, और इन शॉर्ट यू कैन से फोटोफोर्स। ठीक है, ये फोटोफोर यूजुअली जो है, एक फिश है इसमें, वो उस फिश का नाम है पोरिकथाइस। तो पॉरिक थाइज में ये फिश पाई जाती है। अब आप देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम, कि ये जो जो लेयर है, दिस लोअर मोस्ट लेयर इज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। तो अब स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम देखो, ये देखो डीप डर्मिस, दिस इज डर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। तो डीप डर्मिस में आके स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जो है, दिस होल इज फोटोफोर। ठीक है, ये फोटोफोर जो कैसे मॉडिफाई करता है कि ये आप देखो, कैन यू सी दिस फोटोफोर, इसका जो अपर पार्ट है, दिस अपर पार्ट इज नोन एज लेंस। ठीक है, ये जो व्हाई इट इज नोन एज लेंस, बिकॉज जो इसका साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लोअर पोर्शन इज नोन एज ग्लैंडुलर लेयर, कैन यू सी दिस इज द ग्लैंडुलर लेयर, एंड इट इज ऑन ऑल इट साइड इट इज सराउंडेड बाई रिफ्लेक्शन डर्मिस। ये दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल रिफ्लेक्शन डर्मिस। अब क्या होता है कि वन ये जो फोटोफोर है, इट प्रोड्यूसेस लाइट, दैट मींस जो ग्लैंडुलर लेयर है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, एंड दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड अप बाय द लेंस। और ये लेंस क्या है? जस्ट दिस इज स्किन, जस्ट बिलो द स्किन। इवन जो ये रिफ्लेक्शन डर्मिस है, ये भी लाइट को यू नो ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अब इसके क्या क्या फ़ायदा है फोटोफोर का, कि फोटोफोर जो है एक ये जो पोरिक था फिश है, इसके वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। उससे क्या होगा कि ये डीप सी फिश है, पोरिक थाइस, तो डीप सी फिश होने के कारण क्या, जो वेंट्रल सरफेस की जो लाइट है वो जो है प्रे को अट्रैक्ट करती है। प्रेज विल द प्रे विल बी अट्रैक्टेड टू द फिश एंड पोरिक थाइस उसको कैप्चर कर लेती है। दूसरा, जो लार्ज फिशेज हैं या जो प्रेडेटरी फिशेज हैं, वो फिशेज जो हैं एक तरह से दे आर वॉर्न्ड, एक वो जो लाइट है वो वार्निंग सिग्नल है फ्रॉम पोरिकथाइसिस, सो दैट द प्रेडेटरी फिशेज कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट फिश एंड दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पोरिकथाइस। करेक्ट, सो दिस इज हाउ द फोटोफोर वर्क्स इन फिशेज। Next, if you see modified gland, if apart from photophore, is pterygo. Just see pterygo podial gland. Pteri means tail, or you can say lower end. So pterygo podial gland cells, जो है एक ग्रुप ऑफ फिशेज है, रेज एंड स्केट्स, जो कि ऑस्टिक थाइज में पाया जाता है। रेज एंड स्केट्स जो है में ये टेरिगोपोडियल ग्लैंड्स इज फाउंड। वेयर इट इज़ प्रेजेंट? इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ क्लास्पर्स। क्लास्पर्स जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यहाँ पर जो है इट प्रोवाइड दिस टेरिगोपोडियल ग्लैंड प्रोवाइड lubrication to these organs for copulation. Not much detail is given. So this is how we have multicellular gland modified into photophore and pterygopodial in fishes. ठीक है, आज हम केवल इतना ही करेंगे। यानी कि आज हमने क्या किया है, comparative account of integumentary gland in cyclostomes and in fishes. This is all for this class.